आपका हमारा 13 चैप्टर चालू है, पाइथागोरस थ्योरम ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पाइथागोरस जो थ्योरम है वो स्पेशली किस में यूज की जाती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल उसी के लिए वो बनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है हमने देखा है, कैसे होते हैं उसकी डिग्री कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, और उसके बेस और हाइट कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे को। और पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल करके दिया, सबके आपको एक एंगल कौन सा है 90 डिग्री का है, यहाँ पे बी 90 डिग्री का है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में यहाँ पे एल जो एंगल वो 90 डिग्री का है, फिर यहाँ पे लास्ट वाले एक्स वाई जेड ट्रायंगल में यहाँ पे वाई जो है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसे 90 डिग्री के ट्रायंगल में हम यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो है इम्पोर्टेंट जो है हाइट होती है, बेस होती है और हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस क्या होती है कि जो 90 डिग्री का एंगल है आपका जो ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी में 90 डिग्री का एंगल कौन सा, ये बी वाला है जहाँ पे एक छोटा स्क्वायर बन रहा है, तो उसके अपोजिट साइड जो है वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। ये कौन सी होगी, यहाँ पे हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस ऑफ एबीसी क्या होगी फिर यहाँ पे ए और सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल एल एम एन, यहाँ पे देखिए जो एल है वो यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेनस क्या होगी फिर 90 डिग्री के जो एंगल है उसकी अपोजिट वाली, अपोजिट कौन सी है फिर यहाँ पे एम एन है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी यहाँ पे एम एन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे वाई जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का दिखा रहे हैं, ठीक है, ये छोटा स्क्वायर बन रहा है यानी 90 डिग्री का होता है, तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी फिर हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे एक्स जेड, या तो जेड एक्स भी लिख सकते हम यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाली, तो ये आपको जो है हाइपोटेनियस पहचान आना चाहिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। फिर देखिए हाइट और फिर एक बेस, तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, ये मैथमेटिस्ट है, वो क्या करती उन्होंने जो यहाँ पे पाइथागोरस की थ्योरम यहाँ पे इन्वेंट की है कि जो ट्रायंगल होता है तो उसकी जो हाइपोटेनियस होती है तो उसका स्क्वायर जो है जो बाकी के दो साइड बचते हैं उसके स्क्वायर के एडिशन से इक्वल होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा लिख के दिया है, यहाँ पे हाइपोटेनस दी है, ये बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल के जो है सामने वाली साइड हाइपोटेनस, फिर यहाँ पे बेस और हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए तीन चीजें होनी जरूरी है और आपको पहचाननी भी आनी चाहिए। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या है हम यहाँ पे लिख लेंगे, हाइपोटेनस मतलब ये जो हाइपोटेनस है एसी, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी जो भी उसकी लेंथ होगी उसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वो स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का पूरा स्क्वायर जब आप करोगे तो वो जो है बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर की जब आप एडिशन करोगे तो वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ पे थ्योरम है तो उसके लिए आपको जो है अगर आपके पास एक साइड नहीं है तो आप इस थ्योरम का यूज करके आप ट्रायंगल की साइड फाइंड कर सकते हो। सपोज आपके पास जो है यहाँ पे कोई साइड दी, तीनों में ट्रायंगल को जैसे तीन साइड होती है, तीन में से अगर दो दिए और एक आपको वो निकालनी हो तो आप इस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो, इसके लिए यहाँ पे जो है आसानी जाएगी। और इसके लिए आपको जो है सभी के स्क्वायर रूट पार्ट जो है याद होना जरूरी है, तो इसके लिए आपको जो है ये थ्योरम आपको लर्न करनी है क्या है, और फिर आपको जो सभी स्क्वायर पार्ट कर याद करने हैं, ओके। तो चलिए इसको यूज कर कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी जो यहाँ पे 90 डिग्री का है, हाइपोटेनस दिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एंड बेस दिए 4 सेंटीमीटर, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा है, बी है, और हाइपोटेनस के सामने वाली साइड को सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, उसके हमें जो यहाँ पे मेजर दिए 6 सेंटीमीटर और बेस दिए 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हाइट मिसिंग है, तो हम जो है पाइथागोरस का जो है थ्योरम यूज करके हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले जो है आपको जो थ्योरम है वो आपको लिख लेना पड़ेगा, हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस दी है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर बेस दी है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस हाइट, या हाइट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो इसलिए उसको वैसे ही लिखेंगे। अभी हमें जो है 6 का स्क्वायर लिखना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखना है वो 16 प्लस यहाँ पे हाइट,
हाइट हमें निकालनी है इसलिए उसको वैसे लिखते जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो अभी देखिए ये जो 16 है वो यहाँ, तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 36 माइनस 16, तो ये क्या बनेंगे हाइट स्क्वायर। तो 36 में 16 गए तो कितने बचते हैं यहाँ पे 20 बचते हैं, 20 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो अभी हमें हाइट स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सिर्फ हाइट चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, तो ये 20 जो है यहाँ पे किसी के स्क्वायर में इसलिए वो कहाँ पे जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट में चला जाएगा, फिर यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पे स्क्वायर उसका कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना है सिर्फ हाइट आएगी, तो हाइट कितना है यहाँ पे 20 है। तो अगर ये किसी का स्क्वायर होता तो हम वो नंबर लिखते, सपोज यहाँ पे अगर 25 आते तो 25 जो है 5 का स्क्वायर इसलिए यहाँ पे 5 आते, लेकिन ये 20 किसी का स्क्वायर नहीं इसलिए इसको हमने यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर में डाला है। तो ऐसे जो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस है 48, तो 48 में आपको जो है इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको ऐसे फिगर निकाल के दी है फर्स्ट क्वेश्चन में जिसमें आपको दो जो है यहाँ पे साइड की वैल्यूज दी है और एक आपको फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू है, क्योंकि एम जो है यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, यानी हाइपोटेनस को एक्स लिखा है। तो यानी हमें जो है हाइपोटेनस यहाँ पे निकालनी है, ये हाइट है और यहाँ पे आपको बेस दी है, तो इनका हमें जो यूज करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापस से हम क्या करेंगे सोल्यूशन में जो है पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे बाय और पाइथागोरस का थ्योरम क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस की जगह पे हमें क्या दिया है वहां पे एक्स दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस कितने यहाँ पे 24 है, तो 24 स्क्वायर प्लस हाइट कितने यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे उनकी वैल्यू डालेंगे 576 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ऐसे आपको जो है अभी क्या है यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों की आपको प्लस करनी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स लिखेंगे इन दोनों की अभी हमें यहाँ पे प्लस करनी है। तो यहाँ पे कितने आएंगे 625। तो अभी देखिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा इसका, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा एक्स बचेगा और यहाँ पे 625 किसके, तो सी ए जो है 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 25। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड की है, किसके यूज किया हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ऐसे है जो है आपको थ्योरम का यूज करके प्रैक्टिस 48 आपको सॉल्व करना है। ओके थैंक यू।